ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनुराशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनुराशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 जुलाई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जुलाई महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार के स्थितियों का निर्माण धनुराशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में उत्साह के साथ बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता आपको देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर धनुराशि वाले जातकों को चुनौतियां और परेशानी देखने के लिए मिलने वाली है, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे धनु राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता आपको देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो के लास्ट में धनु राशि वाले जातकों को दो खास सलाह के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि इन 15 दिनों में आपके राशि के ऊपर ग्रहीय स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिये, मंगल देव जो आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, मंगल की स्थिति आपके राशि के भाग्य भाव पर बनी हुई रहने वाली है और मंगल आपके राशि के भाग्य भाव के ही स्वामी माने जाते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग इन 15 दिनों में आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर बना रहेगा। राहु और गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के पंचम भाव पर युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। केतुदेव आपके राशि के लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के पराक्रम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रहीय स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके राशि के दशम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव और बुध इन 15 दिनों में आपके सप्तम भाव पर सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर मंगल का गोचर हो रहा है। देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने के लिए स्थितियां निर्मित करने वाला है। इन 15 दिनों की समयावधि में बृहस्पति का सुप्रभाव आपके राशि के ऊपर बना हुआ है और शनि का पराक्रम भाव पर गोचर हो रहा है। इसकी वजह से व्यापारिक नवीनीकरण, व्यापारिक सफलता आपको देखने के लिए मिलेगी। व्यापारिक क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। सूर्य का सुप्रभाव सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में बड़ा सफलता देने वाला है। उसके साथ साथ धनु राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश में हैं तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। धन को लेकर जानकारी दिया जाए, देखिए आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव और लाभ भाव के स्वामी आपके राशि के लिए बनते हैं शुक्रदेव। इन दोनों ग्रहों का प्लेसमेंट काफी अनुकूल और काफी बेहतर बना हुआ है। इसकी वजह से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में उत्साह के साथ धनार्जन होने की संभावना
दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों को पैतृक संपत्ति का भरपूर लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आपके जीवन में व्यर्थ के कर्ज बने हुए हैं और खर्चों में अधिकता बनी हुई है, उससे निजात होने की प्रबल संभावना आपको देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ अगर पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, महीने के शुरुआती 15 दिनों में आपके द्वितीय और चतुर्थ भाव पर किसी अशुभ ग्रहों का ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसके लिए पारिवारिक जीवन में अनुकूल दशा और पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ रहने वाला है। कुटुंबी जनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ आपसी समझ और एकरूपता बढ़ने वाली है। प्रेम पूर्वक सौहार्द और अनुकूल वातावरण रहने की वजह से पारिवारिक जीवन में भरपूर समय आपका व्यतीत होगा और कुटुंबी जनों के सहयोग से आपके जीवन में भी सफलता की ओर बढ़ने में समर्थता देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोस्तों राहु और गुरु बृहस्पति आपके राशि के शिक्षा भाव के ऊपर गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं और मंगल की स्थिति आपके राशि के नवम भाव पर बनी है। यहां पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, जिनका नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। इसकी वजह से आपके मन में उत्साह, एकाग्रता और शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवधान यदि बने हुए हैं, उससे निपटने में इन 15 दिनों में आपको राहत मिलेगी। यदि आप दृढ़ संकल्पित होकर क्रिएटिव क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। उसके साथ साथ किसी प्रकार के नवीन संस्थान में यदि आप दाखिला लेने की योजना बना रहे हैं या इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में समय आपके लिए मिला जुला और चुनौतियों से भरा हुआ ही रहेगा। देखिए राहुदेव पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं, गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। राहु को एक विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है, इसलिए आपके जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर मिला जुला प्रभाव आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसमें यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं तो आपको संबंधों में अनुकूलता बनाकर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। और अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के सप्तम भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण बना हुआ है। बुध देव काफी अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं और गुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन जैसा कि आपको पता है कर चुके हैं, तो यह कहा जा सकता है कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की चुनौतियां और समस्याएं बनी हुई थी, उससे निपटने में भी आपको इस महीने राहत मिलने वाली है। इन 15 दिनों की समयावधि में पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आपको मिलेगी। उसके साथ साथ यदि आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं, उसमें पार्टनर की भागीदारी को बनाकर जरूर चलें। और धनु राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित हैं, उनके लिए वैवाहिक प्रस्ताव निकलकर भी सामने आने की संभावना बनने वाली है। अगर आपके लिए इस समय अवधि में सेहत के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सेहत का विचार राशि के छठवें, आठवें और बारहवें भाव से करते हैं। इन तीनों भावों पर किसी प्रकार के अशुभ ग्रहों का ज्यादा प्रभाव नहीं है। बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, जिनकी उपस्थिति राहु के साथ पूर्व समयावधि में बनी हुई थी, जिसकी वजह से आपके मन में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। तनाव पूर्वक समय आपके लिए था। राहु और गुरु की मौजूदगी आपको कई प्रकार के शारीरिक समस्याओं को दे रही थी। बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन जैसा कि आपको पता है हो चुका है और शनि आपके पराक्रम भाव पर, मंगल आपके भाग्य भाव पर बैठे हुए हैं। ये सभी ग्रहीय स्थितियां आपके शारीरिक और मानसिक स्तर को सुधारेंगी। मन में संकल्प शक्ति, उत्साह और एकाग्रता में वृद्धि होने की संभावना बढ़ेगी। उसके साथ साथ इस समयावधि में आप अपने जीवन में उत्साहित होकर कार्य करने में सफल रहने वाले हैं। स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूपेण फिट रहेगा। जिन जातकों की उम्र 50 साल से ज्यादा है, उनके जीवन में भी किसी प्रकार की
यदि नकारात्मकता बनी हुई थी, उससे निजात आपको देखने के लिए मिलने वाली है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले कुछ विशेष सलाह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों को भावना के वशीभूत होकर यदि आप कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो सावधानी पूर्वक निर्णय को लेने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को व्यर्थ के क्रोध से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। छड़े गुस्से से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तो समय आपके लिए काफी बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, 4 जुलाई 2023 से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। श्रावण के महीने में भगवान शंकर की उपासना और आराधना का विशेष ही महत्व है, इसलिए यदि आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। गौशाले में जाकर गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध जरूर करें। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों को बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को मानना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।